to our YouTube channel Learning Orbit, and today's our topic is qualities and characteristics of a good teacher. Now हमें जानना है कि एक गुड टीचर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ और क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. जैसे कि हम सभी गुड टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो गुड तो बनना ही चाहेंगे. सो सबसे पहले हम उनकी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ पे बात करते हैं. तो सबसे पहली है हमारी सेल्फ पर्सनैलिटी, मीन्स खुद की जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो टीचर की एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, कि वो एक स्कूल से हटकर भी एक उसकी एक पर्सनैलिटी स्टैंड करने लायक हो. सेकेंड, गुड हेल्थ. टीचर की जो हेल्थ है वो गुड होनी चाहिए ताकि वो पॉजिटिव वे के साथ बच्चों को पढ़ा सके और उसकी वजह से किसी बच्चे को कोई दिक्कत भी ना हो. सेल्फ कॉन्फिडेंस. टीचर हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंस अबाउट हिज और हर सब्जेक्ट, कि वो जो पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है वो उसमें करेक्ट है और उसको मालूम है उसके बारे में. इंटरेस्ट इन ओन सब्जेक्ट. किसी को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है तभी वो किसी को और अच्छे से पढ़ा पाता है. सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. फिर फ्रैंकनेस. आपको इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना कि बच्चे आपसे क्वेश्चन ही ना करें, क्योंकि एक अच्छा क्लासरूम वही होता है जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएं और उनके सॉल्यूशंस निकाले जाएं. सो फ्रैंकनेस उसके लिए बहुत ज़रूरी है. पेशेंस एंड टॉलरेंस. पेशेंस और टॉलरेंस टीचर की आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ है मेरे अकॉर्डिंग. पेशेंस की अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो उस चीज़ का पेशेंस ये नहीं कि उसके ऊपर गुस्सा कर दिया जाए. टॉलरेंस, उसको टॉलरेट करना और उसको एक अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करना ताकि उसको वो समझ आए उसके तरीके से. रिसोर्सफुलनेस. हमारे पास जो रिसोर्स है उसी को यूज़ करके अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को, अपने कंटेंट को क्लैरिफाई करना. और पॉजिटिव एटीट्यूड. कुछ भी हो रहा है उसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ है उस चीज़ को ट्रिगर करना चाहिए, ना कि नेगेटिव चीज़ों को. सो ये इंडिविजुअल क्वालिटीज़ है टीचर की. उसके बाद नेक्स्ट है हमारी प्रोफेशनल क्वालिटीज़. नाउ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट. टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए. डिज़ायर फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. और जो उसके पास डिज़ायर होनी चाहिए कि उस सब्जेक्ट के बारे में उस नॉलेज को और एक्वायर करने की डिज़ायर होनी चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए. साइंटिफिक एटीट्यूड. साइंटिफिक एटीट्यूड इन द सेंस कि ये नहीं कि जो भी किसी ने बोला उसको मान लिया, उसका उसे कॉज मालूम होना चाहिए और व्हाट और व्हेन मालूम होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे साइंटिफिक एटीट्यूड. नाउ नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी. हम ऑब्वियसली बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो टीचर्स को ज़रूरी है कि उनको चाइल्ड साइकोलॉजी भी मालूम हो ताकि वो बच्चों को डील करना जान सके और फिर बच्चों को उनके अकॉर्डिंगली, उनके इंटरेस्ट और उनके नीड के अकॉर्डिंग पढ़ा सके. नेक्स्ट है हमारा नॉलेज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़. सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती, कभी कभार हमें और सारी एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती है. और हम अपनी टीचिंग को अफेक्टिव भी बना सकते हैं जब हम करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को मिक्स करेंगे. तब हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारा जो कंटेंट है वो ज़्यादा बेटर बनता है. पॉजिटिव एटीट्यूड. कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे हमारी क्लास में जैसा भी हो रहा है उसके अंदर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल के हम उसको ट्रिगर करना चाहिए, ना कि नेगेटिव चीज़ों को. इंटरेस्ट इन साइंटिफिक रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा नॉलेज है, उसके अंदर आगे क्या क्या नया हो रहा है उसके बारे में हमें खुद भी रिसर्च करनी चाहिए और रिसर्च के लिए इंटरेस्ट भी होना चाहिए. नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग. और हमें अलग अलग मेथड्स के बारे में मालूम होना चाहिए टीचिंग के. ये नहीं कि सिर्फ एक ही मेथड से हम हमेशा हर क्लास को हैंडल कर रहे हैं. हर क्लास में अलग बच्चे हैं तो अलग अलग मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है. एबिलिटी ऑफ कंडक्ट लेबोरेटरी. और लैब को कंडक्ट करने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए, कि अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं साइंस मैथ, इनके लिए लैब्स का वर्क ज़रूरी होता है, तो वो एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या वर्क करना है और उस टाइम पे क्लास को मैनेज कैसे करना है. नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स. सिर्फ एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलता. जैसे कि हम जानते हैं टेंथ तक हमें जब बच्चों को ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए तो ऑब्वियसली टीचर्स को भी सारे सब्जेक्ट्स आने चाहिए. नॉलेज ऑफ न्यू और मॉडर्न इवैल्यूएशन प्रोसीजर. अब जो इवैल्यूएशन के मॉडर्न और न्यू प्रोसीजर्स आ रहे हैं उसके बारे में टीचर को नॉलेज होनी चाहिए और डे टू डे अप टू डेट होना चाहिए. नॉलेज ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द चाइल्ड. चाइल्ड का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है उसके बारे में, कि मेरी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो उन हर एक बच्चे में क्या क्या लेवल है उसका डिफ़िकल्टी का, उसको इश्यूज़ कहाँ पे हो रहा है. कोई बच्चा स्पेलिंग में मिस्टेक करता है, किसी बच्चे को रीडिंग में इश्यूज़ है, तो ये सब कुछ हर बच्चे का, ईच बच्चे का हमें ध्यान देना चाहिए.
ये थी हमारी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ एज अ टीचर। अब हम एज अ टीचर हैं और हम कम्युनिटी का मेंबर्स हैं, तो ज़रूरी है कि हमारे कुछ सोशल क्वालिटीज़ भी हों। तो वो हैं, पहली नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कल्चर, हमें साइंटिफिक कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। एबिलिटी ऑफ लीडरशिप, क्लास को या फिर हमारे स्टाफ को लीड करने की, लीड इन द सेंस ये नहीं कि हुक्म चलाना है, लीड इन द सेंस कि एक करेक्ट डायरेक्शन दिखाना और साथ में उस डायरेक्शन को खुद भी फॉलो करना, वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए क्लास को भी एज वेल एज सोसाइटी को भी, एज वेल एज अवर क्लास स्कूल मेंबर्स टू ऑल। और नेक्स्ट है इम्पार्शियल एटीट्यूड, और इम्पार्शियल एटीट्यूड होना चाहिए। इम्पार्शियल एटीट्यूड मीन्स टू कि हमें किसी भी बच्चे या फिर किसी भी सोसाइटी के मेंबर को लेके कभी भी इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए कि इसके साथ अच्छा या इसके साथ बुरा। वी हैव टू बी लॉयल एंड इम्पार्शियल। नाउ नेक्स्ट इज़ फीलिंग ऑफ सोशलिटी, सोशलिटी की फीलिंग होनी चाहिए। अब सोशलिटी की फीलिंग क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि हम खुद भी सोशल हों और दूसरों को सोशलाइज होने के लिए और मोटिवेट करें। नाउ नेक्स्ट, वेरियस रोल्स ऑफ टीचर इन आवर स्कूल। अब जो स्कूल है उसके अंदर टीचर्स के क्या अलग अलग रोल होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फॉर दैट, सबसे पहले टीचर इज़ अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। जो टीचर है वो एक प्रिंसिपल कंपोनेंट है हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट का। ऑब्वियसली क्लास बनती कैसे है, जहाँ पे स्टूडेंट्स हो, जहाँ पे टीचर्स हो और जहाँ पे हमारा कंटेंट हो, तब बनता है हमारा क्लासरूम। तो एक टीचर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर द स्टूडेंट्स। नाउ ही हैज़ टू प्ले द सर्वल रोल एज मैनेजर, फिलोसोफर, गाइड एंड फ्रेंड। उसको अलग अलग रोल करना होता है, मैनेजर की क्लास को मैनेज कैसे करना है, फिलोसोफर की क्लास को किस फिलोसफी से आगे बढ़ाना है, कैसे मेंटेन करना है, और गाइड कि अगर किसी बच्चे को कहीं पे दिक्कत है तो वो कैसे करना है, एंड एज वेल एज फ्रेंड कि अगर किसी हर बच्चे के साथ इतना फ्रेंक हो कि वो बच्चा ईजली अपनी बात आके बोल सकें। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ही हैज़ द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड द लीडरशिप इन मैनेजिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़। उसके पास अथॉरिटीज़ भी होती हैं कि वो किसी चीज़ का डिसीजन ले सके, एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं कि वो डिसीजन ऐसा हो जो सबके हित में हो। एंड अकाउंटेबिलिटी की क्या हुआ, कितना हुआ, उसके अकाउंटेंट्स भी उसके पास होते हैं, एज वेल एज लीडरशिप इन मैनेजिंग क्लासरूम। और लीडरशिप भी होती है टू मैनेज द क्लासरूम एक्टिविटीज़। ही हैज़ टू एम्प्लॉय एंड अप्रोप्रिएट मोड ऑफ डिसिप्लिन, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग। उसको ज़रूरी है कि वो डिसिप्लिन एज वेल एज स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग टेक्निक्स के ऊपर ध्यान दे। ही हैज़ टू मेंटेन रैपो विद स्टूडेंट एंड सोशल रिलेशन विद हिज कलीग्स एंड प्रिंसिपल। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल्स हैव बीन डिस्कस्ड देयर। सो उसको अपने स्टूडेंट्स के साथ भी रैपो बना के रखनी पड़ती है, इतना भी फ्रैंक नहीं होना कि बच्चे बदतमीजी करें, बट इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना कि बच्चे क्वेश्चंस ना पूछे, एज वेल एज उसको अपने कलीग्स के साथ भी एक सोशल रिलेशन बना के रखना होता है, एंड एज वेल एज प्रिंसिपल के साथ भी या फिर हमारे स्कूल में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है सबके साथ। नाउ नेक्स्ट, रोल एज अ टीचर, कुछ रोल्स पढ़ने हैं हमको। तो पहला है रोल एज अ टीचर। टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, हम सब जानते हैं टीचर सबसे पहले हम आई थिंक गुरु को सबसे ज़्यादा मानते हैं, इसलिए उसको एक नोबल प्रोफेशन बोला गया है। टीचर इज़ एन आइडियल फॉर हिज स्टूडेंट एज वेल एज सोसाइटी। टीचर जो है वो आइडियल है स्टूडेंट के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। जैसे कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज भी अपने टीचर्स से मिलते हैं, हम अब उनसे नहीं पढ़ रहे, स्टिल हम उनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं और किसी को मालूम पड़ता है कि यार ये टीचर है, तो उनके लिए अपने आप एक रिस्पेक्ट बन जाती है। सो इसलिए वो एक आइडियल है सोसाइटी के लिए भी एज वेल एज़ स्टूडेंट्स के लिए भी। हिज इम्पॉर्टेंट रोल इन्फ्लुएंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हाउ ही ड्रेस इन क्लासरूम एंड हाउ एड्रेस टू हिज स्टूडेंट्स। टीचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो ऐसे ड्रेस करे कि बच्चों को बुरा भी ना लगे, कुछ ज़्यादा एक्सपोजर भी ना हो और अच्छे से हो। इन द सेंस एक डिसेंट कपड़े पहनने होते हैं, एज वेल एज हमें बच्चों को एड्रेस भी ऐसे करना होता है कि वो एक रिस्पेक्टफुल मैनर लगे। जैसे कि हमें बच्चों को आप करके, आप खड़े होइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ऐसे बोलना होता है, तो ये एड्रेस करने का तरीका होता है। अब टीचर बोले कि चल तू खड़े हो, तो आई थिंक इट्स नॉट करेक्ट। नाउ नेक्स्ट is he must know his students, that is entering behavior and social and cultural background।
और एक टीचर का इम्पोर्टेंट रोल ये भी है कि उसको मालूम होना चाहिए कि उसका बच्चा किस सोशल और कल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और उसका बिहेवियर इस टाइम पे कैसा है, और उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस लाने हैं जो वो अपने फ्यूचर क्लासेस में लाएगा। नाउ सेकेंड इज रोल एज अ फिलासफर। जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो टीचर है हमारा वो फिलासफर भी है, तो वो कैसे है। द मेन जॉब ऑफ अ टीचर इज़ टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट कंटेंट। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि वो जो अपना सब्जेक्ट पढ़ा है उसकी जो नॉलेज है वो उस बच्चे में इम्पार्ट करे, इंडल्ज करे। ही मस्ट हैव टू मास्टरी ऑफ ए सब्जेक्ट एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट। ऑब्वियसली अगर मैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ तो मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एज वेल एज उस सब्जेक्ट के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में भी मुझे अप टू डेट होना चाहिए। तो वही एक फिलोसोफर मतलब हमारे टीचर को भी होना चाहिए। ही शुड हैव इंटरेस्ट इन हिज सब्जेक्ट। उसको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। रिसर्च स्टडीज हैव फाउंड दैट मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट इज़ अ पावरफुल प्रेडिकेटर ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस। ऐसा रिसर्च बताती हैं कि जो टीचर्स अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स होते हैं, मतलब उन्होंने अपनी सब्जेक्ट में मास्टरी करी होती है, तो वो एक इफेक्टिव टीचर बनते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि उनको बच्चे के क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे कुछ नहीं पता, बच्चे इतने क्यूरियस होते हैं तो उनको हर क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं मालूम होता है क्योंकि उन्होंने उस सब्जेक्ट को उतना डीप पढ़ा है। अगर आपके पास डीप नॉलेज नहीं होगी तो बच्चे ने कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ दिया और आप शांत हो जाओगे तो वो बेटर अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं करता बच्चों को। तो इसलिए बोलते हैं कि जिसकी भी नॉलेज लो अच्छे से लो। नाउ थर्ड इज रोल एज गाइड। नाउ टीचर्स जॉब इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स इन देयर पर्सनल एंड लर्निंग प्रॉब्लम। टीचर की जॉब क्या होती है, बच्चों को उनकी पर्सनल एज वेल एज लर्निंग दोनों में हेल्प करें। क्योंकि हम बच्चे को 6 घंटे और एटलीस्ट स्कूल में देखेंगे तो वो बच्चा मेंटली सोशली इमोशनली कैसे वर्क कर रहा है, कॉग्निटिवली, हमें हर चीज़ पे ध्यान देना होता है। तो उसकी लर्निंग एज वेल एज पर्सनल चीज़ें भी हमें करनी पड़ती है क्योंकि स्कूल सिर्फ पढ़ाता नहीं है बच्चों को, उनको एक वे ऑफ लिविंग भी सिखाता है। ही हैज़ टू डील द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम साइंटिफिकली और प्रोवाइडिंग द अवेयरनेस ऑफ कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। और उसको बच्चों को साइंटिफिकली उनकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक ले जाना होता है और उसकी अवेयरनेस तक ले जाना होता है कि ये प्रॉब्लम हुई तो इसका रीज़न क्या था, ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करे। और ये नहीं कि सोल्यूशन दे दिया, सोल्यूशन निकलवाओ बच्चों से ही, ताकि बच्चे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम खुद हल करना सीखे। क्योंकि कब तक आप साथ रहोगे, 12th तक, उसके बाद तो नहीं ना, फिर कॉलेज में जाएंगे बच्चे, फिर अपनी लाइफ में जाएंगे। दे हैव टू लर्न टू फाइट देयर प्रॉब्लम बाय इट सेल्फ। नाउ नेक्स्ट, द रेमिडियल टीचिंग इज़ अरेंज फॉर वीक स्टूडेंट्स। और रेमिडियल टीचिंग होनी चाहिए जो वीक बच्चे हैं उनके लिए, ताकि वो उस चीज़ को रिवाइज कर सके, अच्छे से कर सके, और उनकी जो भी इश्यूज़ हैं वो उसमें क्लैरिफाई हो सके। नाउ नेक्स्ट रोल एज अ रिसर्चर। टीचर शुड हैव इसके ना थोड़ा सा प्रिंटिंग इशूज़ है, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान दूंगी, सॉरी फॉर टुडे। टीचर शुड हैव द एबिलिटी टू डील द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। टीचर के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि क्लासरूम में अगर कोई इश्यूज हो रहे हैं तो उसको मैनेज करना आना चाहिए, मॉनिटर बनाएं या कुछ भी करें या फिर ग्रुप्स बनाएं, सीटिंग अरेंजमेंट के इश्यूज होते हैं बच्चों में, उन सबको मैनेज करने की एबिलिटी एक टीचर में होनी चाहिए। ही शुड हैव द नॉलेज एंड स्किल फॉर यूजिंग एक्शन रिसर्च। जो एक्शन रिसर्च मैथड है हमारा, उसको यूज़ करने की स्किल्स और कहते हैं नॉलेज होनी चाहिए। उसके अंदर क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट की वजह से हम क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो टीचर के अंदर वो एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, मतलब उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट एज रोल एज अ मैनेजर। टीचर शुड नो द फंक्शन अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ मैनेजर। टीचर को जानना ज़रूरी है कि वो कैसे अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन को कैसे डील करेगा एज ऑफ अ मैनेजर। द मेन फंक्शन ऑफ अ मैनेजर आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द टीचिंग प्रोसेस। तो जो मेन फंक्शन होते हैं अगर टीचर को एज अ मैनेजर वर्क करना उस टाइम पे, कि क्लास को कैसे प्लान करना है, चाहे वो क्लास हो, टाइम टेबल हो, पूरे स्कूल का शेड्यूल हो, वट एवर इट इज़, ऑर्गेनाइज करना हो उसको, और सुपरवाइज करना कि क्या जो सोचा है वो सही हो रहा है या नहीं, मतलब जो प्लान किया है। डायरेक्टिंग, उसको डायरेक्ट करना कि अगर कोई कहीं पर गलत कर रहा है तो उसको बताना, सही करना, वो भी इन अ पॉजिटिव मैनर। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट करना अपने और स्टाफ मेंबर के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ। कंट्रोलिंग द टीचिंग प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट रोल एज अ ये लीडर है। द टीचर शुड हैव द लीडरशिप क्वालिटी।
टीचर के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लीडरशिप क्वालिटी इज डजंट मीन कि आपको लीड करना है, राज चलाना है, ऐसा नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी कि आप उनको एक करेक्ट डायरेक्शन में, एक राइट डायरेक्शन में ले जाएं, एज वेल एज खुद भी उस डायरेक्शन में जाएं। अ टीचर फंक्शन एज अ लीडर ऑफ हिज क्लास। अकेडमिक लीडरशिप इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टीचर। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? अकेडमिक लीडरशिप। नाउ द कंट्रोलर। द टीचर इज इन कंप्लीट इन चार्ज ऑफ द क्लास। जो टीचर होता है कहीं ना कहीं पूरा एक कंप्लीट इंचार्ज जो हमारा टीचर होता है वो हमारा टीचर ही होता है। उसके बाद टीचर मॉनिटर बना देता है या फिर थोड़ी देर के लिए किसी को खड़ा करता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर पूरा कंट्रोल करने वाला इंसान कौन होता है? हमारा टीचर होता है, ठीक है। वट स्टूडेंट डू, वट दे से एंड हाउ दे से इट, टीचर इज मोस्टली द सेंटर ऑफ द फोकस। क्योंकि टीचर की पर्सनालिटी से भी बच्चे ना इन्फ्लुएंस होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली बोलते हैं। अगर आप देखो कि टीचर हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो बच्चे बिल्कुल सीधे बैठे रहेंगे, फिर थोड़ा सा फ्रैंक है तो बच्चे भी थोड़े से लीन हो जाते हैं। लेकिन अगर टीचर बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल ध्यान देने वाला नहीं तो टीचर वहाँ बच्चे में शोर ही मचा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं कभी कभार टीचर की डिसरिस्पेक्ट भी कर देते हैं। तो डिपेंड कि जो टीचर है वो कैसे कंट्रोल कर रहा है अपनी क्लास को, कैसे उसका डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। द प्रमोटर। द टीचर एनकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट एंड मेक सजेशन अबाउट हाउ स्टूडेंट्स में प्रोसीड इन एन एक्टिविटी। और प्रॉम्प्टर कैसे है टीचर, सॉरी मैंने प्रमोटर बोला, प्रॉम्प्टर कैसे है ताकि वो बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग कंटेंट में प्रमोट करे, उनको प्रॉम्प्ट करे, उनको सजेस्ट करे कि तुम कैसे कर सकते हो इन एक्टिविटीज़ को और तुम इसके लिए बेटर हो, उनकी एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटी जान के कि आप इसमें करो। जैसे कोई बच्चा का ड्राइंग में अच्छा हो टीचर जानता है लेकिन वो बच्चा खुद अपनी एबिलिटीज़ को नहीं पहचान रहा है, तो टीचर हैव टू हेल्प हिज चाइल्ड, दैट चाइल्ड कि आप अच्छे हो ड्राइंग में, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटीज़ को खुद जानेगा। द टीचर शुड बिकम हेल्पिंग हैंड ऑफ स्टूडेंट्स ओनली वेन नेसेसरी। और ये नहीं है कि बच्चों को बिल्कुल ही डिपेंडेंट कर देना अपने ऊपर। यू हैव टू बी लाइक अ हेल्पिंग हैंड कि जब ज़रूरत पड़े तब आप वहाँ पर हों, लेकिन ये नहीं कि आपने बच्चों को बिल्कुल सब कुछ बना के दे दिया, बस बच्चों राइट द करेक्ट आंसर, ऐसा नहीं। यू हैव टू बी लाइक अ हेल्पिंग हैंड। नाउ नेक्स्ट इज द रिसोर्स। द टीचर इज़ अ काइंड ऑफ वॉकिंग रिसोर्स सेंटर रेडी फॉर टू ऑफर हेल्प इफ नीडेड। वो एक ऐसे रिसोर्स की होनी चाहिए कि जब भी बच्चों को कहीं पर दिक्कत हो बच्चा बस टीचर किसको जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे टीचर अपने रिसोर्सेज के साथ, मतलब अपने कंटेंट के साथ, अपनी नॉलेज के साथ उसके लिए अवेलेबल हो। द टीचर मस्ट टेक हिमसेल्फ अवेलेबल सो दैट लर्नर कैन कंसर्न हिम व्हेन एंड ओनली व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो टीचर को बच्चों का ऐसा रिलेशन मेंटेन करना होता है कि बच्चों को जब दिक्कत हो तो बिना हिचक के जाके टीचर से हेल्प ले, मतलब इतना रिसोर्स अपने आप को दिखाना पड़ता है कि यार अगर बच्चों को कहीं भी दिक्कत हो कि बच्चा अपने आप दिमाग में लाए कि वो मैम ना मेरी हेल्प करेंगे या वो सर मेरी हेल्प करेंगे। और ये सिर्फ हेल्प के लिए, ये मतलब ऐसे मत दिखाओ कि आप सब कुछ उनको करके दे दोगे। आपको एक ये भी दिखाना है बच्चों को कि जहाँ तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी मैं वहाँ पर होंगी, लेकिन पूरा काम मैं नहीं करूँगी, तुम्हें भी करना होगा। एज अ रिसोर्स द टीचर कैन गाइड लर्नर्स टू यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज इंटरनेट फॉर themselves। अब अगर हम बच्चों को, बच्चा बोलता है कि मैम ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो मैं बच्चों को पूरा ग्लोबल वार्मिंग लिख के नहीं दूंगी, मैं उसको बताऊंगी कि आपके पास इंटरनेट है आप उस पर सर्च करो और वहाँ पे जो वर्ड समझ में आए वो मुझसे पूछो या फिर मुझसे उसका जो मीनिंग आपको क्लियर ना हो वो पूछो। नाउ नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजर। सॉरी थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, बस थोड़ा सा रहता है गाइस। द ऑर्गेनाइजर फेडअप्स द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ टीचर हैज़ टू प्ले। ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट और एज वेल एज डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि अगर आप ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं करोगे क्लास को, आप पढ़ा रहे हो बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो उस पढ़ाई का भी फायदा नहीं है क्योंकि वो कोई गेन ही नहीं कर रहा है। और आप सिर्फ क्लास को ऑर्गेनाइज करते रह गए लेकिन बच्चों को पढ़ाए नहीं, तो वो भी कोई यूज़फुल नहीं रहा। डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाए, पढ़ाते रह गए, कोई मतलब नहीं बनता। तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइज और प्लानिंग प्लॉटिंग से आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द सक्सेस ऑफ मैनी एक्टिविटीज़ डिपेंड्स ऑन गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द स्टूडेंट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट दे डू नेक्स्ट। और बच्चों को मालूम होना चाहिए कि इसके बाद उसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए। अब जैसे कि हम लोग बच्चों को टीच टाइम टेबल बना के दे रहे हैं, तो उनको मालूम है कि उनको ये बुक्स लानी है, वरना कोई बच्चा कोई बुक लाया कोई नहीं लाया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी होनी चाहिए कि हम बच्चों को बताएं कि बच्चों अभी आपका टाइम टेबल आपको ये फॉलो करना है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ना करते, टाइम टेबल ना बनाते, तो आई थिंक बच्चे सारी बुक्स ले आते हैं या कोई बुक ला रहे कोई नहीं ला रहे। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लीजिए आप, एग्जाम्पल समझ लीजिए।
Next, sorry. The success of many activities depends on good organization and on the students knowing exactly what they do next. Giving instruction is a vital in his role as well as a setting up activities. The organizer can also serve as a demonstrator. This role also allow a teacher to get involved and engaged with learner. तो इसके अंदर टीचर डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकता है, कुछ करके खुद भी दिखा सकता है और एंगेज खुद भी हो सकता है बच्चों के साथ. द टीचर ऑल्सो सर्व टू ओपन कंटेंट फीडबैक, और उसको ओपन कंटेंट फीडबैक भी सर्व करना होता है. नाउ नेक्स्ट इज द पार्टिसिपेंट. द टीचर टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज अलॉन्ग विद लर्नर्स. कभी कभार जब टीचर साथ में बच्चों के काम करते हैं तो बच्चे और मोटिवेट होते हैं उस काम को करने के लिए. तो टीचर को भी कभी कभार पार्टिसिपेट करना ही चाहिए. अब ये नहीं कि चैप्टर पढ़ लिया अपने आप क्वेश्चंस करो, नहीं, हम साथ में आंसर्स ढूंढेंगे बुक में तो बच्चे और इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई टीचर भी ढूंढ रही है, देखते हैं हम टीचर से पहले ढूंढ पाते नहीं या जो भी. This soul improves the atmosphere in the class. However, there is a risk of dominating the activity when performing it. कहीं ना कहीं ये रिस्क भी आ जाता है. However, teacher can improve the environment in a class if the teacher is able to stand back and not to become the center of attention. तो आपको अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये नहीं कि भाई आपको मालूम है कि सारे आंसर्स कहाँ हैं तो आप खुद ही कर दोगे, नहीं, आपको ऐसा बनना होता है कि आप स्लो जाओ ताकि बच्चे आपकी स्पीड पे आ सके और आप उसका सेंटर ऑफ अटेंशन ना बने पूरी एक्टिविटीज़ का. बच्चों को बनना पड़ना है, बच्चों को बनाना है आपको. इट कैन बी ग्रेट वे टू इंटरेक्ट विद लर्नर्स विदाउट बीइंग ओवरपावरिंग. ये एक बहुत अच्छा तरीका है ओवरपावरिंग हुए बिना बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, लर्नर के साथ इंटरेक्ट करने का. नाउ बस थोड़ा सा और. नेक्स्ट, द टीचर एक्ट एज अ कोच व्हेन स्टूडेंट आर इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट और सेल्फ स्टडी. टीचर किस तरह एक्ट करता है, कोच की तरह एक्ट करता है जब बच्चा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहा हो. तो बच्चे को जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे उसको टीचर की ज़रूरत होती है और उस टाइम पे टीचर जैसे एक्ट करता है हम उसको कोच या फिर ट्यूटर बोल सकते हैं. जैसे हम ट्यूशन टीचर की हेल्प कहाँ लेते हैं जहाँ दिक्कत होती है, तो वही है ट्यूटर वाला काम. अ टीचर प्रोवाइड एडवाइस एंड गाइडेंस एंड हेल्प स्टूडेंट टू क्लैरिफाई आइडियाज एंड लिमिट द टास्क. द रोल कैन बी ग्रेट वे टू पे इंडिविजुअल अटेंशन और टू अ स्टूडेंट. और इससे बच्चों को एक इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है जिससे बच्चे अपने इंडिविजुअली प्रॉब्लम को डिस्कस कर पाते हैं. द असेसर. द टीचर एज्यूम दिस रोल टू सी हाउ वेल स्टूडेंट आर परफॉर्मिंग और हाउ वेल दे परफॉर्म. असेसर मीन असेस्ट करना कि बच्चे कैसा कैसा काम कर रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं पर्सनली एज वेल एज इन ग्रुप. टू Feedback and correction are organized and carried out. The role of assessor gives teacher opportunities and correct learners. तो feedback देने से बच्चों को मालूम पड़ता है कि उनकी कमियाँ कहाँ हैं और उस feedback को देने का तरीका भी teacher के पास ही होता है, वरना कोई तो कैसा भी हो देगा, कुछ negative दे दिया तो बच्चा उससे demotivate ना हो, ये भी ध्यान देना पड़ता है. Guys, I know ये इतना कोई important topic नहीं था आपको लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब हम पेडागोजी के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. क्योंकि पेडागोजी का सच कहूँ तो कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आपको बच्चों को डील करना सीखना है. तो उसके लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें, माइन्यूट चीज़ों को समझना ज़रूरी है. जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे कि टीचर जो है वो एज अ ट्यूटर, एज अ असेसर भी है, एज अ लीडर भी है, एज अ फिलोसोफर भी है, एज अ रिसर्चर भी है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ें भी ध्यान देनी है. आपको बच्चों को पूरा डिपेंडेंट नहीं करना अपने ऊपर, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गया तो वो दैट विल हेल्प यू आउट. तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद में आया हो. कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड श्योरली वी विल गेट योर आंसर्स. थैंक यू फ्रेंड्स.